स्वागत है, मैं हूं मनोज। राजनीति कब और कहां किस मोड़ पर आती है और पलट कर चली जाती है। देर रात तक आंधी तूफान एक विधायक के आवास पर था और हम बता दें कि विधायक के आवास पर हाई वोल्टेज ड्रामा था। दो पक्ष थे, एक जो वैजयंती देवी खेरिया उनके पति जो पूर्व महापौर हैं मिट्टू खेरिया उनके आवास पर चल रहा था एक हाई वोल्टेज ड्रामा, दूसरा विधायक के आवास पर। उस क्रम में ये कहा गया कि मधुबाला सिन्हा आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं अगर तो पूरी ताकत के साथ आपके पास ये 23 पार्षद होंगे और आप जीत सकते हैं। लेकिन मधुबाला सिन्हा ने जब इनकार कर दिया तो उनके पास मात्र 12 पार्षद रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपना जो नामांकन था, जो अपना दावा था, वो वापस कर लिया। देखिए उसके बाद किस तरह फिर घूमा है एक चक्र, और वो राजनीतिक चक्र पूजा मंडल जो वैजयंती देवी खेरिया के खिलाफ लगातार आग उगलती रही नगर निगम में, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला तनाव रहता था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती थी, वही पूजा मंडल देर शाम तक रात में एक बार फिर मिट्टू खेरिया के आवास पर समर्थन मांगने के लिए पहुंचे थे। लेकिन तब तक देर हो चुका था, तब तक मिट्टू खेरिया के उम्मीदवार के रूप में मुन्नी देवी थी। और मुन्नी देवी आज अभी की बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जो मेयर के पद के लिए तय 21 मत मुन्नी देवी को मिले हैं जो कि मिट्टू खेरिया के समर्थक है। आप भी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये हो सकता है कि रबर स्टाम्प हो। आप कोई भी जान सकता है कि मिट्टू खेरिया ने मुन्नी देवी को मदद किया था और मुन्नी देवी आज मेयर पड़े हैं, तो मुन्नी देवी आखिर कितना जानकारी रखती हैं दरभंगा नगर निगम में ये सभी जानते हैं। तो इस परिस्थिति में निश्चित तौर पर रबर स्टाम्प आ सकता है। लेकिन अभी कुछ देर में यहाँ डिप्टी मेयर का चुनाव होना है और इस डिप्टी मेयर के चुनाव में भी एक बड़ा खेल होने की संभावना है। यानी हम बता दें, एक तरफ अगर कहें तो जो राजनीति बता रही है वो है कि नफीसुल रिंकू के जो पत्नी वो उम्मीदवार है यहाँ से, तो हो सकता है कि वो उम्मीदवारी उनके उम्मीदवारी पर लगभग मोहर लग जाए। लेकिन फिर भी राजनीति चली गई, हम आपको लगातार दिखाएंगे, देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर। क्योंकि अभी की यही हुई है कि मुन्नी देवी चुनाव जीत चुके, एक तरफ उनके समर्थक बाहर में जिंदाबाद मुन्नी देवी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ये पूरी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की हार साफ स्पष्ट नजर आ रही है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।